अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के लिए जो हम आपके लिए वर्ड लेकर के आए हैं दैट इज लर्न। और अगला वर्ड आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इस छोटे से एक वीडियो में हम एक वर्ड को लेते हैं, उसमें डीपली जा करके और उससे रिलेटेड ढेर सारे शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो वर्ड है लर्न, लर्न मीन्स आपको मालूम है सीखना होता है, मालूम है आपको, लेकिन फिर भी ये पूरा वीडियो देखिएगा, ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। लर्न एक वर्ब होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म लर्नड और लर्नड यूज करते हैं, ईडी फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, यानी लर्न के साथ हम ईडी फॉर्म का इस्तेमाल भी करेंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम इसको सीखेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, यानी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब होता है, आप हमारी मॉडल प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि कैन का इस्तेमाल कैसे यूज करते हैं। सो यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड कीप लर्निंग कंटिन्यूसली, शुड भी एक मॉडल होता है, वी शुड का इस्तेमाल चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं। वी शुड कीप लर्निंग, हमें लगातार कंटिन्यूसली लगातार कीप लर्निंग सीखते रहना चाहिए, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, वी शुड कीप लर्निंग कंटिन्यूसली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ डिड यू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स होता है तैरना, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हाउ डिड यू लर्न स्विमिंग, आपने स्विमिंग कैसे सीखी। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, आप इसी तरीके से बना सकते हो। हाउ डिड यू लर्न ड्राइविंग, आपने ड्राइविंग कैसे सीखी। हाउ डिड यू लर्न एनी थिंग यू कैन यूज आफ्टर, यहाँ पर आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो तो वो उसका मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आपने कैसे सीखा। सो हाउ डिड यू लर्न, इसके आगे कुछ भी आप लगा देंगे, आपने पढ़ाना कैसे सीखा, हाउ डिड यू लर्न टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज स्टिल लर्निंग हाउ टू डांस, ही इज स्टिल मतलब अभी भी लर्निंग सीख रहा है हाउ टू डांस। हाउ टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, हम किसी एक सेपरेट वीडियो में हम बताएंगे कि हाउ टू के ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हाउ टू मीन्स कैसे, सो ही इज स्टिल लर्निंग, वह अभी भी सीख रहा है हाउ टू डांस, कि डांस कैसे किया जाता है वह अभी भी सीख रहा है। ही इज स्टिल लर्निंग हाउ टू मेक फूड, वह अभी भी सीख रहा है कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो हाउ टू डांस, डांस कैसे किया जाता है, हाउ टू ड्राइव, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, इसी तरीके से हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आई लर्नड, मैंने सीखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये भी है, लर्न की सेकेंड फॉर्म, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय फादर, मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सीखा, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, हम रोज आपको एक वर्ड के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये भी लर्नर होता है, लर्नर वी यूज फॉर सीखने वाला, अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न समथिंग, अ पर्सन हु हैज सम डिजायर टू लर्न समथिंग, उस इंसान को हम लर्नर बोलते हैं, सीखने वाला। सो इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश यू आर लर्नर। अब इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया गया है, ही इज अ स्लो लर्नर, स्लो लर्नर अ पर्सन हु लर्न्स वेरी स्लो, बहुत धीमा सीखने वाले को स्लो लर्नर बोलते हैं। इसका अपोजिट हम फास्ट लर्नर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, आर यू अ स्लो लर्नर और आर यू अ फास्ट लर्नर। फास्ट लर्नर जल्दी जल्दी सीखने वाला, स्लो लर्नर जो धीमा सीखता है। यहाँ पर देखिए एक रिलेटेड वर्ड क्या है, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग मीन्स रटना होता है, जब भी किसी चीज़ को आप रट लेते हैं, समझते नहीं केवल रट लेते हैं, तो उसके लिए आप रोट लर्निंग या आप मगप या क्रैम, क्रैम मगप रोट लर्निंग, तीनों शब्दों का इस्तेमाल हम रटना के लिए यूज करते हैं। इफ़ यू जस्ट क्रैम एनीथिंग, सो यू हैव नॉट टू क्रैम एनीथिंग, आपको रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है, क्योंकि जो चीज़ें रटते हैं ज़्यादा देर तक ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं। सो यू हैव नॉट टू क्रैम, यू हैव नॉट टू, ये हैव टू भी एक मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब की प्लेलिस्ट में जाइएगा देखिएगा। यू हैव नॉट टू क्रैम, आपको रटना नहीं है, दीज सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आपको रटना नहीं है, यू हैव टू
अंडरस्टैंड, आपको समझना है। सो वी शुड नॉट क्रैम एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए। अगर आप रट रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो मगअप क्रैम रोट लर्निंग वी यूज फॉर रटना। एक और भी फ्रेज है यहाँ पे, लर्न फ्रॉम, ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रेजेस हैं, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से सीखिए। एक्सपर्ट की मैंने हिंदी यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन जस्ट यूज धुरंधर कहते हैं ना, यू जस्ट यू आर एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट की हिंदी आप धुरंधर यूज कर सकते हैं, उस्ताद, निपुल, कुशल, तो इस तरीके से वी कैन जस्ट यूज एक्सपर्ट। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम पीपल लिव, कुछ लोग जीते हैं, एंड लर्न, और सीखते हैं, सम पीपल ओनली लिव एंड डोंट लर्न, कुछ लोग जीते हैं, जन्म लेते हैं और सीखते रहते हैं, एंड सम पीपल ओनली लिव, वो केवल जीवित रहते हैं एंड डोंट लर्न। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? यू कीप, वी शुड कीप लर्निंग कंटिन्यूसली, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। सो लिव एंड लर्न, ओनली डोंट जस्ट लिव, सो लिव एंड कंटिन्यूसली कीप लर्निंग, हमें ये करते रहना चाहिए। एक और रिलेटेड वर्ड यहाँ पे है लर्न, लर्न भी हम यूज करते हैं ज्ञानी के लिए, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको हम लर्न बोल सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड, उसके पास अच्छी खासी जानकारी होती है, वेल इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म इन जानकारी होती है, वो जानकारी से पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, या आप बोल सकते हो नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने वाला वैसे कोई होता नहीं है। बट इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ओमनीसियंट, ओमनीसियंट इज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है उसको इंग्लिश में हम ओमनीसियंट बोलते हैं। Okay, so this was the video and I hope you must have learned a lot of things from this video. Keep making notes and keep using these sentences in your practical English. ये practical English में जब तक ये sentences इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप English बोलने में problem होगी। English बोलना सीखने के लिए we have to speak in English, हमें English में बात करना पड़ेगा। तो लगातार आप घर पे अगर English बोलने का माहौल मिलता है तो बात करते रहिए, और अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप अभी कॉल करके आप पता कर सकते हैं और हमारे साथ वन टू वन इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़ोन मिलाइए, जानकारी लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक डिसीजन। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड, बेसिक वर्ड कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।